नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। जलालाबाद व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में वाहनों पर सवार होकर पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। कस्बे की पुलिस चौकी से थाना प्रभारी प्रेमवीर राणा, चौकी प्रभारी विजय राय के नेतृत्व में वाहनों पर सवार होकर दर्जनों पुलिसकर्मी मेन बाजार पहुंचे। मेन बाजार से बंबा चौक, खीरादियान चौक से पुलिसकर्मी रामरतन मंडी चौक पहुंचे। यहां पर थाना प्रभारी ने लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। यहां से पुलिसकर्मी कटेरा बाजार, मोती बाजार, रामनगर, आईटीआई से हसनपुर लोहरी संपर्क मार्ग से होती हुई मेन बाजार बस स्टैंड पहुंचे। यहां पर थाना प्रभारी ने विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मतदान के लिए मतदान बूथ पर जाने के लिए पूरी सुरक्षा का भरोसा भी जताया। मतदान की तैयारी के साथ साथ मैं आपका फिर समझते आपको एक बार जागरूक कर रहा हूँ। आपको सभी आसपास के लोग ध्यान दें, यह सभी सभी को पता है 10 तारीख को मतदान होगा। 10 तारीख को अपने आप वोटिंग पड़ेगी। ये उत्तर मैं डाला और प्राइमरी पास वाले में इसमें बूथ है, यहाँ सभी आस पास के क्षेत्रों की वोटिंग होगी। इसमें विशेष पर ध्यान देने वाली बात है तो आस पास के मोहल्ले में जिसके मकान है अपनी छतों को देख लो, किसी तरह का ईंट पत्थर नहीं होना चाहिए। आज ही इसको उतार लीजिए वरना ड्रोन से निगरानी होगी। ड्रोन के निगरानी में अगर कोई फोटोग्राफी आ गई, आपके छत पर कोई ईंट पत्थर आ गया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा 10 तारीख को जब मतदान होगा उसमें 48 घंटे पहले आपके घरों में फैमिली मेंबर अर्थात परिवार के सदस्य के अलावा आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। हर खबर पर पैनी नजर।